नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़। मैं अभी मौजूद हूं पटना के कलेक्ट्रेट घाट में, जो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो छठ की जो तैयारी है वो करने के लिए जायजा लेने के लिए नगर निगम की टीम आई थी, जो कि यहां पे लोगों का साफ कहना है कि यहां पे इस बार लगता है कि छठ की तैयारी नहीं हो पाएगी, इसलिए पूरी तरीके से ये खराब है, यहाँ पे व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ पे पूरा दलदल हुआ हुआ है, यहाँ पे पानी खराब है और कुछ मूर्ति विसर्जन वगैरह भी हो गया तो उसकी वजह से भी और खराब है। इसलिए कि इन लोग डिसीजन ले रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे छठ का व्यवस्था नहीं हो, इन लोग इस बार अवर कलेक्ट्रेट घाट में छठ का जो भी अर्घ होता है वो नहीं दिया जाएगा। साफ तौर पर कहना आप सुन सकते हैं, दिया गया है इसलिए कि यहाँ पे दलदल ज्यादा है और एकदम वो लोड नहीं ले पा रहा है और सूखने के चांसेस भी कम है क्योंकि 3-4 दिन ही बच रहा है। तो इसका व्यवस्था पहले से क्या है नगर व्यवस्था, क्या पानी बढ़ जाएगा सर तो उसका कोई व्यवस्था है? गंगा को रोक दीजिएगा तो पानी तो बहुत पहले कम हो चुका था सर, जैसे कम हुआ तब तो इसका साफ सफाई हुआ ही, ये आपको देखने से ही पता चलेगा कि साफ सफाई पहले से भी है, लेकिन कल कुछ लोगों ने वहाँ जो बिक दिया है ये मूर्ति विसर्जन टाइप से कर दिया, छोटा छोटा मूर्ति उसको भी चुनवाएंगे, ठीक है। और एक घाट वहाँ से बन रहा है वो राजापुर पुल से जो घूमते हुए वहाँ तक आएगा, जो घाट बना हुआ है अभी जो बन रहा है कार्यक्रम लगा हुआ है वो सक्सेस है, वो अभी सक्सेस है, लेकिन ये घाट ऐसे भी आप किसी को दिखाइएगा तो पता चलेगा कि इसमें छठ करने योग्य नहीं है। और ये हम लोग का तो बहुत बड़ा पर्व है तो इसमें हम लोग अपना योगदान देने आए हैं कि जो मूर्ति अभी छोटा छोटा ला के वो जो डाल दे रहा है लोग उसको स्टे करके वहीं पे डाल दे रहे हैं, वहां से उसको बड़ा वाला बैग में काला वाला बैग में करके एक सुरक्षित जगह पे उसको पहुंचाया जाएगा। मतलब आप लोग लगता है कि यहाँ पे अब इस बार कलेक्ट्रेट घाट सन्नाटा रहेगा? एक हम ही तो नहीं है, आप भी हैं सर और आप भी बिहार से ही तो आप इस पर्व को भी जानते हैं और ये देखने से ही पता चलता है कि 4 दिन में ये सूखेगा नहीं। और जहाँ पे गैदरिंग हो जाने के बाद अगर कोई अनहोनी घटना हो गया तो जवाबदेही तो हम सबों की होगी, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे कल पदाधिकारी वगैरह भी रहेंगे लगातार 8-8 घंटा का शिफ्ट में रहेंगे कि कोई छठ का कोई भी चीज यहाँ नहीं किया जाए, कोई व्यवस्था नहीं हो, कोई नहीं रोकना तो मेरा काम है ना सर, अगर यहाँ रखने नहीं देंगे तो वो रुकावट तो आएगा कि नहीं भाई इधर पानी गंदा भी है और ये करने योग्य ये अभी तक तो नहीं है। तो परिचय दीजिए जी, मेरा नाम कुमार राजीव रंजन हुआ और मुख्यालय धावत दल से है।